नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय एक साइक्लोन आ रहा है निवार, जिसने तमिलनाडु कोस्ट और पुडुचेरी कोस्ट पर तबाही मचा रखी है। तो हमें ये जानना है कि आखिर साइक्लोन्स का नामकरण कैसे होता है। साइक्लोन्स का जो नाम है ये निवार, लास्ट ईयर साइक्लोन महा आया था महाराष्ट्र के आसपास, तो क्यार भी आया था, तो आखिर ये नाम रखता कौन है, क्या इसका प्रोसीजर है, वो सब जानेंगे आज। ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल डी इंस्टीट्यूट पर। तो देखते हैं कि क्या तरीका है, क्या मेथड से हम ये नाम को रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जो साइक्लोन्स के नाम रखे जाते हैं, पहली बात तो ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है साइक्लोन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं भाई। कहीं पर हम उनको टाइफून बोलते हैं, कहीं पर उनको हरिकेन बोलते हैं। जो ये नामकरण है ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पर आते हैं, हम जानते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पर आते हैं, इंडियन ओशन, जो नॉर्थ इंडियन ओशन है, मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के आसपास जो साइक्लोन्स आते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि वो एरिया ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है। तो इनका जो नाम है ये कौन देता है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्कैप, मतलब इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, इसको याद रखना बड़ा थोड़ा टफ है, लेकिन आपको ये नाम का फुल फॉर्म आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड पैसिफिक। तो इन ये दो संस्था है, इन दोनों ने क्या डिसाइड किया 2000 में, कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, उनका नामकरण करा जाए, उनका नाम रखा जाए। भाई ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में जानेंगे हम आगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा इनको। ठीक है, लेकिन किस रीजन की बात कर रहे हैं हम, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन्स आते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो नाम रखती हैं। तो जब ये डिसाइड हुआ 2000 में कि भाई जो साइक्लोन्स आते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में उनका नाम रखना है, तो उसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनको शामिल किया गया। तो 2004 में बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 8 कंट्रीज़ थीं, इन्होंने ये मतलब राज़ी हुई कि हाँ हम नाम रखेंगे जो साइक्लोन हमारे यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद 2018 में और नाम जुड़ गए, जैसे ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, यमन। तो कुल मिला के 13 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस पैनल के अंदर हैं, जो नामकरण करती हैं, जो नेम्स रखती हैं साइक्लोन्स के, नेम्स देती हैं साइक्लोन्स के। ठीक है, रखने का काम किसका है, WMO और यूनेस्कैप का। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जो इंडिया ने नाम दिए हैं इस बार वो कौन कौन से हैं, तेज, मुरसू, आग, व्योम, झार, प्रोबाहो, नीर, प्रभंजन, घुर्मी, अम्बुज, जलधि, वेग, ये नाम इंडिया ने दिए हैं। हर कंट्रीज़ को जो है कुल कुल 13 नाम देने पड़ते हैं। हर कंट्रीज़ को कुल कितने नाम देने पड़ते हैं, 13 नाम देने पड़ते हैं। तो कुल कितनी कंट्रीज़ है हमारे पास जो शामिल हैं इस एक्ट में या फिर जो भी संस्था है इसके साथ, तो 13 कंट्रीज़ शामिल हैं। हर कंट्री को नाम देने कितने, 13। तो मतलब कुल मिला के 169 नाम अभी WMO और यूनेस्को के पास हैं, जिसमें से वो एक नाम चूज़ करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाम का क्या प्रोसीजर है भाई, जो इंडिया का है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका एक संस्था है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स। ठीक है, ये साइक्लोन का नाम चूज़ करती हैं, किसमें से जो भी 169 नेम्स दिए थे उस लिस्ट में से नाम चूज़ करती हैं। ठीक है, जो ये नाम रखे जाते हैं वो क्या है, इस तरीके से अरेंज होते हैं कि देखिए अल्फ़ाबेटिकली, जैसे भाई बी पहले आया, बांग्लादेश पहले आएगा इंडिया से, पाकिस्तान बाद में आएगा इंडिया से। तो अल्फ़ाबेटिकली नाम जो है कंट्रीज़ वाइज अरेंज किए जाते हैं, और नाम ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल जेंडर हो, मतलब ना तो वो किसी फीमेल को बिलोंग करता हो ना ही वो किसी मेल को बिलोंग करता हो, ऐसा हो कि जो कि नाम दोनों को बिलोंग कर सके, ऐसा नाम देते हैं कंट्रीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाम दिया क्यों गया, आपको समझ में आया कि जो कि नाम कौन देता है। नाम जो है भाई, मैंने बताया आपको 13 कंट्रीज़ हैं इंडियन ओशन और इंडियन ओशन के आसपास जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के नज़दीक में हैं, वो 13 कंट्रीज़ में से जो है हर कंट्री जो है 13 13 नेम्स देती हैं। इसका मतलब है कि जो है कुल मिला के 169 नेम्स WMO और यूनेस्को को भेजे जाते हैं, उसमें से एक नाम चूज़ किया जाता है कंट्री की परामर्श से कि भाई जो साइक्लोन आएगा इस साल
या आया है उसका नाम क्या रखा जाए। जैसे अभी निवार साइक्लोन आया तो इसका नाम जो है बहुत सारे चूज़ किए गए, निसर्ग हो गया, गति हो गया, लेकिन ईरान ने नाम दिया था निवार तो वो नाम चूज़ किया गया और इसका नाम निवार रखा गया। तो WMO, यूनेस्को और जो कंट्रीज़ हैं वो मिलके चर्चा करती हैं इस बारे में और फिर नाम एक चूज़ किया जाता है। तो आखिर ये नाम क्यों रखा गया, और कोई तरीका था इससे पहले? तो हाँ दोस्तों, जब वो साइक्लोन्स आते थे पहले तो जो है उनका नाम का क्या था मेथड, कि जो किस लैटिट्यूड और किस लॉन्गिट्यूड पर साइक्लोन आ रहा है उस नंबर के अकॉर्डिंग नाम को बताया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जानते हैं कि जे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो ये क्या है, दिस इज़ लैटिट्यूड, ठीक है, और ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो जहाँ पर भी सपोज साइक्लोन इस पॉइंट पर आया तो इस पॉइंट पर क्या है लैटिट्यूड क्या लॉन्गिट्यूड है वो नंबर नोट कर लेंगे। सपोज़ जो है ये 82 डिग्री पर आया है, इधर इधर जो है ये आपका 32 मान लो, या फिर जो है जो मान लो, तो इन दोनों को मिला के जो भी नंबर बनेगा वो नंबर जो है उस साइक्लोन का नाम होगा। बट क्या था कि जो है कि नंबर याद रखना बहुत मुश्किल हो गया था आगे चलकर, क्योंकि साइक्लोन्स तो एक आध तो आते नहीं है, बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं एक साल के अंदर। तो जो कन्फ्यूज़न था नंबर्स का उसको दूर करने के लिए ये नेमिंग स्टार्ट की गई। भाई नेमिंग का फ़ायदा क्या हुआ, एक तो नाम याद रखना आसान होता है, फिर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको बताना आसान होता है कि देखिए भाई ये इस नाम का साइक्लोन इस जगह आने वाला है तो आप अलर्ट हो जाओ। तो बहुत सारे फ़ायदे यहाँ फ़ायदे थे जो यहाँ पर साइक्लोन के नाम रखने से हुए। भाई सपोज़ जो जहाँ साइक्लोन आया है उसके आसपास जो भी शिप होगा उसको हम बोल सकते हैं, अभी नंबर बताया हमने, नंबर माना हम बोल रहे हैं कि 1 2 3 4, वो 4 खा जाए, कुछ भी हो जाए, तो जो शिप है उस पर बैठे हुए जो कैप्टन है जो भी है वो अगर गलत इन्फॉर्मेशन समझ लें, नंबर गलत समझ लें, तो उससे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए क्या करा, अगर नाम मालूम है तो एक तो नाम से हम जो है ईजिली कन्वे कर सकते हैं मैसेज डिफरेंट कंट्रीज़ को भी, और एक याद रखने में भी आसानी होती है कि जो कि भाई इस नाम का तूफ़ान यहाँ पर आने वाला है या आएगा या आ गया है, ठीक। जो कंट्री में रहने वाली जनता है जो इस तूफ़ान को झेलेगी वहाँ भी अलर्ट देने में आसानी होती है रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि भाई निवार तूफान आने वाला है। नंबर बताओगे नंबर कब तक याद रहेंगे, ठीक है ना, ना ही वो बताने में भी अच्छा लगता नंबर। तो ये सब चीज़ें थी जिस वजह से जो है ये नाम रखा गया साइक्लोन्स का, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि जो आखिर जो साइक्लोन्स हैं उनका नाम क्यों रखा जाता है, कौन रखता है, भाई WMO और यूनेस्कैप, ठीक है, यूनेस्कैप ये जो है संस्था हैं जो नाम रखती हैं मिलके, ठीक। 13 कंट्रीज़ हैं जो नाम रखती हैं, हर कंट्री 13 13 नाम देती है, मतलब कुल मिला के 169 नाम जाते हैं WMO और यूनेस्कैप के पास, उसमें से एक नाम चूज़ किया जाता है वो नाम रखा जाता है साइक्लोन का। क्यों रखा गया वो बता दिया मैंने आपको, पहले क्या मैथड था वो मैंने बता दिया। ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर कि आखिर साइक्लोन का नाम क्यों रखा गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो है वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।